सुरक्षा चूक में एक्शन की तैयारी में सरकार, कार्रवाई के लिए सीएम के पास फाइल भेजी। सीएस डीजीपी समेत 9 अफसर ठहराए जा चुके दोषी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक बरतने पर मान सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन पंजाब सरकार के 9 बड़े पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों को पहले नोटिस किया गया था। अगली कार्रवाई के लिए अब सीएम भगवंत मान को फाइल भेजी गई है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता भांपते हुए पंजाब सरकार पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही करने वालों को चार्जशीट करने की तैयारी में है। फरवरी 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर आए थे। मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री के काफिले को भटिंडा से फिरोजपुर सड़क मार्ग से भेजा गया था। जब वह भटिंडा हवाई अड्डे से हुसैनीवाला जा रहे थे तो उनका काफिला फिरोजपुर के प्यारे आना गाँव में 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, क्योंकि वहां से कुछ दूरी पर किसानों ने हाईवे बंद कर दिया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।